एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है पाइन यूसर। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? अभी है दोपहर का टाइम, बच्चों को फिलहाल पिक करने के लिए आई हुई हूँ स्कूल में। बच्चे एक बार आ जाएं, दोनों को पिक करके जाती हूँ घर। बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है, बीच बीच में पानी आता है, बौछारें पड़ती हैं, फिर रुक जाता है। थैंक गॉड मैं जैकेट पहन के आई हूँ। घर से निकल ही रही थी तभी मुझे लग रहा था कि जैकेट पहन लेना चाहिए कि, पर गर्मी इतनी थी फिर सोचा कि जैकेट क्यों पहनूँ, गर्मी तो है। पर जैसे ही यहाँ तक पहुँची तो अच्छा हुआ गाड़ी में जैकेट रखा हुआ था, मैं फटाफट पहना और यहाँ पे आ गई हूँ अभी क्रॉस करके। और धीरे धीरे बच्चे बस बाहर ही आ रहे हैं, दूसरी क्लासेस छोड़ रही हैं, आधी प्रशा आएंगे अभी थोड़ी देर में, उन लोगों को पिक करती हूँ फिर गाड़ी में जाती हूँ। और मुझे एक्चुअली ना बिलो 5 भी जाना था बच्चों के साथ, तो एक काम करती हूँ पहले फ़िलहाल बच्चों को पिक करती हूँ, घर जाती हूँ, घर जाके हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। और प्रिशा के वहाँ पे भी जाना है हम लोगों को, प्रिशा के आर्ट शो में जो पेंटिंग सिलेक्ट हुई है तो वो उसके लिए भी जाना है। चलिए ये प्यारी सी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है एक्चुअली। और तो चलिए वन बाय वन सारे काम करते हैं। फिलहाल तो पहले बच्चों को पिक करती हूँ, फटाफट गाड़ी में जाती हूँ क्योंकि एकदम पानी स्टार्ट हो जाएगा, फिर कैमरे में भी पानी आएगा तो मैं बात ही नहीं कर पाऊँगी। और मेरा कैमरा वो तो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए चलिए बच्चों को पिक करते हैं। तो आदि और प्रशा के स्कूल में ना एक बुक फेयर लगा हुआ था, तो आदि और प्रशा ने अपनी अपनी बुक्स खरीदी है। प्रशा की बुक तो कल ही खरीद ली थी और आदि की बुक आज उसने खरीदी। और कौन सी बुक खरीदी है? टोनिंग जेम्स। आदि ने आदि ने खरीदी है कोडिंग गेम्स। ऑफ कोर्स अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इन्हें सब समझ में आता है। और कोडिंग्स तो यार यहाँ पे टेक्सास में ना पढ़ाई डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे कोडिंग्स वगैरह काफ़ी अर्ली एजेस से सिखाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही इसे पता पड़ा इसने हम लोगों को बताया, राइट आदि? कमिया प्रिशा कमिया। तो आदि को जैसे ही पता पड़ा कि कोडिंग की बुक्स मिल रही हैं तो उसने हम लोगों को बोला, तो हम लोगों ने जो बच्चों को पैसे देने थे बच्चों के डैडी ने दे दिए और इसने कोडिंग बुक खरीदी, राइट आदि? तो जी अभी हम लोग आए हुए हैं एक शॉप पे, यहाँ पे एक छोटी सी लोकल शॉप है, कॉफी शॉप, वहाँ पे बोबा टी मिलता है, राइट आदि? आदि प्रशा को बोबा टी पीने का मन कर रहा है, आज हम लोग आए हैं बोबा टी लेने के लिए। चलिए अपने अपने फेवरेट फ्लेवर्स क्या बनवाते हैं वहाँ पे। बोबा टी, बोबा टी बोले तो ये बबल टी है, एक बबल टी। चलो आदि और प्रशा अंदर जाएंगे, चलो लेट्स गो। चलो यस लेट्स ट्राई। तो हम लोगों ने हमारा बोबा ड्रिंक बनवाया है। बोबा ड्रिंक के लिए कौन सा फ्लेवर लिया है? प्रिशा ने लिया है स्ट्रॉबेरी, आदि ने लिया है वेनिला और मम्मी ने लिया है मैंगो। और साथ में हम लोगों ने दो डोनट भी लिए हैं। डोनट जो लिए हैं वो पीप वाले लिए, राइट? प्रिशा ने लिया है ऑरेंज पीप, आदि ने लिया है वाइट पीप। और पीप जो होता है मार्शमेलो एक शेप होता है वो लिया है। ये शॉप है और इसकी प्राइसेस हैं अलग अलग, यप। और वहाँ पे वो लेडी बना के दे रही है, छोटी सी शॉप है, लोकल शॉप, राइट आदि? राइट पेशा? नो वी आर नॉट टेकिंग द नो। जैसे किसी शॉप में आते हैं ना तो बच्चों की बस यही डिमांड्स ही शुरू हो जाती है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो मेरे पाँव पे ना इतनी ज़ोर से लगी हुई है ना आज सुबह से, मैं आप लोगों को घर चल के दिखाती हूँ कि मुझे आज कितनी ज़ोर से लग गई है। What are you saying? No, we are not buying that one. We can get it from Dollar Tree, this one. डॉलर ट्री पे से खरीद लेंगे, डॉलर ट्री पे से खरीद लेंगे। आदि को यहाँ पे टैटूज चाहिए और अपना स्टिकर चाहिए। चलो जी हम लोग हमारा बोबा ड्रिंक लेकर आ गए हैं, यहाँ पे रख दिया बोबा ड्रिंक। तो मेरा वाला जो है वो ब्राउन कलर का है और ब्राउन कलर का जो है वो मैंगो फ्लेवर है, फिर इधर पिंकी पिंकी सा जो है वो स्ट्रॉबेरी है, और ये जो ब्राउन सा है ये वनीला है। आदि अपना डोनट लेके बैठा है। आदि शो योर डोनट, अभी घर चल के दिखाते हैं, बच्चों के हाथ बहुत डर्टी हो रहे हैं, डोंट टेक इट आउट ओके। बच्चों के हाथ बहुत गंदे हो रहे हैं, अभी घर जा रहे हैं, बच्चे अच्छे से हाथ धोएंगे, फिर हम लोग हमारा ये वाला स्नैक टाइमिंग करेंगे, वो बच्चों के डैडी को भी बताएंगे हम लोग, राइट? वी गोना कम बैक विद डैडी, राइट? हे गाइस, वी गोना कम बैक विद डैडी, राइट? यस।
तो हम लोगों को जो ड्रिंक पड़ी है, ड्रिंक जो है वो है $4.5-$4.5 की, और अच्छा बहुत जम्बो कप दिया है उन लोगों ने, पता है यार सीरियसली $4.5 का एक कप है स्मॉल वाला, बड़ा वाला लेने जाएंगे तो कुछ $5.50 का है, पर वो बड़ा वाला बहुत ज्यादा ही बड़ा हो रहा था। और आदि का जो, आदि और प्रिशा का जो डोनट है वो डोनट है $1.5 का, तो $1.5 का डोनट $4.5-$4.5 के पूरे के पूरे ड्रिंक्स, तो मेरा पूरा ओवरऑल जो बिल बना वो टैक्स के साथ बना $19 का समथिंग, हाँ $19 का, $20 से कम यानी $19 का बना। तो लेट्स सी हम लोगों का आज का ये डिफरेंट वाला। बच्चों के डैडी ना बहुत टाइम से बोल रहे थे कि उन्हें बोभा ड्रिंक पीना है, अभी वो तो काम पे है और हम लोग हमारा मस्त वाला एंजॉयमेंट कर रहे हैं, मम्मी और बच्चों वाला, राइट गाइस? तो चलिए अभी चलते हैं घर, तो आराम से हम लोग सेटल डाउन होते हैं, और यहाँ पे पानी गिरना शुरू हो गया, बारिश हो रही है, तो लेट्स सी थोड़ा बच्चों को फ्रेशन अप करती हूँ, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को क्या करना है, बिलो 5 जाना है नहीं जाना है, और थोड़ा सा बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है। पहली बात तो ये घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद डिसाइड होएगा। चलो भाई, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ ड्रिंक्स लेके, और आदि प्रशा वहाँ से उतर के आ रहे हैं, और इतनी धीरे धीरे उतर रहे ना दोनों को समझा दिया, इशारा कर दिया, चलो 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 जल्दी, अब बारिश हो रही है, चलो प्रिशा जल्दी आ। वेयर इज योर डोनट? ओके आदि, वेयर इज योर जैकेट बेटा? ओके चलो इधर से चलो, फटाफट चलो 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 चलो, जल्दी बारिश हो रही है बेटा, चलो ड्रिंक लेके अंदर जा रहे हैं। ओपन इट, घर इतना क्लीन क्लीन है ना, सीरियसली यार बच्चों के आने से पहले घर क्लीन कर दो तो इतनी शांति मिलती है। हियर प्रिशा, कैन यू पुट दिस वन ओवर हियर, ये डू नॉट मेक इट डर्टी, ओके? हाउस इज वेरी क्लीन, ओके गाइस? पुट योर बैग्स ओवर हियर, yeah, and you have to wash your hands also, okay? Go. No, first wash your hands. I wanna open mine. Okay, first wash your hands. चलो, प्रिशा come here, wash your hands. दोनों बच्चों को hand wash करने के लिए भेजा है। चलो, बाहर ना इतनी तेज बारिश हो रही है, seriously, एकदम से। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने सही time पे boba drink बना लिया बच्चों के साथ पैदल जाके, तो बस। भीग जाते हैं, जाके देख कर आती हूँ, गाड़ी की आवाज नहीं आ रही है, आई थिंक सो दरवाजा ओपन छोड़ दिया बच्चों ने, दरवाजा क्लोज करा था गाड़ी का, बच्चे तो बच्चे हैं सीरियसली यार, बच्चों पे क्या ही भरोसा करें, छुटके मेरे। चल गाड़ी लॉक कर दी, पानी गिर रहा है, चलो जी देखते हैं भाई, अब डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा बारिश होगी तो मैं बच्चों को लेके अभी पानी में तो नहीं निकलूंगी, इतना फालतू ड्राइव करके जाना। यस, नाउ यू कैन टेक योर डोनट आल्सो, वेयर इज योर डोनट? ओके ठीक है, या दिस इज योर्स, दिस इज गो गो इन अ किचन, आई एम कमिंग। चलो जी हम तीनों यहाँ टेबल पे बैठ गए हैं, अब हम तीनों सोच रहे हैं कि साथ में इसके अंदर पोक करेंगे और पीना स्टार्ट करेंगे और अपना अपना ड्रिंक बताएंगे। प्रिशा का कौन सा है? स्ट्रॉबेरी, आदि का है वनीला, और मेरा है मैंगो। मैंगो आई नो बहुत ही ज्यादा ब्राउन सा लग रहा है पर पता नहीं देखते हैं, लेट्स ट्राई। चलो वन, और कौन सा है? होल्ड ऑन होल्ड ऑन, बिफोर पोकिंग लेट्स शो इट टू देम अवर स्माइलीज। आदि के इस पे विंकिंग बना है, प्रिशा के इस पे हार्ट बना है, मेरे इस पे ची। I'm gonna aim in this direction. Yeah, I will aim it over here. Yeah, so we don't have to like. 3, 2, 1. No. You just. Whoa. Yeah, just go straight. I aimed right in the forehead. Let's drink it. First, Prisha will drink. Good. स्ट्रॉबेरी गुड फ्लेवर, ओके स्ट्रॉबेरी को थम्स अप मिल चुका है, लेट्स ट्राई वनीला। वनीला अच्छा है, ओके वनीला को भी थम्स अप मिल गया, अब लेट्स सी माइन, मेरा मैंगो वाला ट्राई मारते हैं।
good to both of them. Yummy? Hold on. इतना यम्मी है यार. We can get this right now. We can wow. get everything. It's yummy. You wanna try mine? Wait. Let me try her. Who's gonna try? Prisha, मेरा वाला mango को भी thumbs up दे दिया है मैंने. And now we swap so we can. अब हम लोग swap कर रहे हैं तो मैं Prisha का strawberry चख रही हूँ अब. Tastes good already. ओके प्रिशा ने मेरा मैंगो ट्राई करा. मैंगो कैसा है? यू लाइक इट? स्ट्रॉबेरी ओके है. दिस इज नॉट मैंगो, दिस लिटरली टेस्ट लाइक आइस टी. आदि का वनीला भी बहुत अच्छा है. बेटर बताओ अगर टॉप पे लिया जाए ना तो वनीला फ्लेवर बहुत अच्छा है, स्ट्रॉबेरी ओके ओके है, और ये वाला जो मैंगो है मैंगो इज लाइक मोर एसेंस आइस टी बेसिकली एसेंस फ्लेवर है. सी द गुड थिंग अबाउट दीज टू वनीला एंड स्ट्रॉबेरी, दे मेड ऑफ क्रीम होता है ना, जो दूध होता है दूध क्रीम का बना हुआ है, मिल्क का बना हुआ है बेसिकली. और मेरा वाला जो मैंगो वाला जो है ना, वो मैंगो वाले में इन लोगों ने आइस टी बहुत डाल रखा है. आइस टी मतलब कम से कम लेस दूध है, थोड़ा सा ही दूध डाला था उसने, मेरे सामने की बात है, उसने बहुत थोड़ा सा डाला था इसलिए ब्राउन कलर में हो गया है. और इसमें इन लोगों ने आइस टी बहुत मिक्स करी है. तो ये अगर आप मैंगो फ्लेवर लेते हैं तो मैंगो में आपको दूध नहीं मिलेगा, उसमें मोस्टली यही मिलेगा फ्लेवर आइस टी वाला. और एसेंस वाला लग रहा है, सिरप उसमें भी है, सिरप इसमें भी है, एसेंस है, सब में एसेंस है. बट फिर भी अगर मुझे टॉप थ्री में से चूज करना हो, अगर इन तीनों में से अगर फर्स्ट नंबर पे रखना हो तो वनीला को फर्स्ट पे रखूंगी, सेकंड नंबर पे स्ट्रॉबेरी, थर्ड नंबर पे मैंगो. राइट, सो गिव मी हाई फाइव. माय फेवरेट वन इज द मैंगो. हाई फाइव. ओके दैट्स इट. वी आर फाइटिंग. ओके पर ये ऐसा ड्रिंक है एक बार खरीदो दिन भर चलेगा, यू नो दिन भर चलने वाला है. Should I'm gonna eat the peach first and then donut? Oh, you this one is basically. Prisha's drink is like this much. अब बच्चे यहाँ पे डोनट ट्राई करेंगे. डोनट ट्राई करो. डोनट के साथ ना उसने ये भी दिया है, साथ में एक एक मंचकिन भी दे दिया बच्चों. They gave us munchkin. अब हमने $20 खर्च करे हैं तो उसने एक एक मंचकिन भी दे दिया फ्री में. I'm gonna try God. 3, 2, it's good. 1. I know. Try it's it. Like a regular munchkin, right? It's good? Yeah. Good? This is basically glazed. Glazed munchkin. Yeah. Yummy. Now for your donut. Try donut. इनका डोनट कैसा होता है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. शो इट टू देम प्रिशा. पीप आदि कैन यू शो योर पीप आल्सो. मैं दिखाती हूँ पीप कैसा होता है. इन लोगों का जो ये जो पीप होता है ना, बेसिकली ये बना होता है मार्शमेलो का और ये डोनट के ऊपर स्टिक कर दिया इन लोगों ने. सो बेसिकली इट कुड बी बेटर. या यू आर सेइंग दैट इट्स अ बेटर वन राइट बिकॉज़ यू लाइक इट. ओके चलो ये डोनट है, डोनट के ऊपर एक पीप लगा हुआ है. प्रिशा शो योर डोनट. ये प्रिशा का डोनट है ऑरेंज आइसिंग के साथ और उसके ऊपर भी एक पीप लगा हुआ है. राइट प्रिशा? बिकॉज़ प्रिशा लाइक्स इट दैट्स व्हाई. राइट प्रिशा? गिव थम्स अप. टिंग. गिव थम्स अप. टिंग. देयर यू गो. आई वांट टू ईट अ पीप फर्स्ट एंड द मैं तो अपना ड्रिंक पीती हूं. मैंने कुछ खाने के लिए नहीं दिया है, कोई डोनर वोनर नहीं है, तो बच्चों को ही खाना था. मेरे लिए ड्रिंक ही बहुत है. वंस इन अ वाइल, और या यूं कह लो कि अगर आप पहली बार पियोगे ना तो पहली बार आपको अच्छी लगेगी बोबा टी, और जिनको रेगुलर बेसिस पे पीने की आदत है उनको अच्छा लगेगा ये.
मेरे लिए ठीक ठीक है, मैं कभी कभी पीती हूँ, नॉट ऑल द टाइम। वो तो ये नई दुकान थी और बच्चों का बड़ा मन था, बहुत दिन से बोल रहे थे। ऑफकोर्स अब बच्चे तो नए नए हैं, उनको तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो इनके साथ साथ मैंने भी सोचा चलो ट्राई मारते हैं। और बेसिकली इसमें बोबा टी यानी कि जो नीचे बबल्स जैसा रहता है ना, ये जो बबल जैसा है ना, ये नीचे वही है जो साबूदाना हम लोग खाते हैं ना, अपन सब खाते हैं ना साबूदाना, ये साबूदाना ही है बेसिकली। तो साबूदाने को ये रात भर भिगो के रखते हैं और एक बार का पानी में उबाल के फिर इसके अंदर डाल देते हैं। ये जो साबूदाना है ना, ये इट्स अ साबूदाना, साबूदाना है ये। तो जी अभी हम लोग निकल चले हैं, बच्चों का और मेरा स्नैक टाइम ही हो गया था। बच्चों को अच्छे से फ्रेश कर दिया, तैयार कर दिया, बच्चों के डैडी आए थे घर पे और हम लोगों ने टी टाइम वगैरह भी कर लिया था। बच्चों के डैडी की एक्चुअली टी बना दी थी हम लोगों ने, तो हमारा स्नैक टाइमिंग करा था जो कि बोबा ड्रिंक एंड डोनट खा लिया था। उसके बाद हम लोग निकल चले थे, हम लोगों को इन्विटेशन आया हुआ है, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़, यानी कि मेरी चीकी प्रशा उसकी जो पेंटिंग है पूरे ओवर द स्कूल में सिलेक्ट हुई है। स्कूल की तरफ से प्रिशा रिप्रेजेंट कर रही है अपने आर्ट्स को, और आर्ट के लिए जो पेंटिंग रिप्रेजेंट करने वाली है उसकी पेंटिंग आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाई देगी, उसके पिक्चर्स के साथ मैंने डाली है। हम जिस आर्ट शो में जा रहे थे ये इंटर स्कूल हो रहा था बेसिकली, यानी कि बहुत सारे स्कूल्स थे, कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, बट हाँ ये इंटर स्कूल आर्ट शो था जिसमें स्कूल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया गया था। और जो भी बहुत ही यूनिक पेंटिंग्स होती हैं, कोई भी उम्र के बच्चे होते हैं जो कि प्री के से लेके ट्वेल्थ तक के, और ट्वेल्थ में भी जो एडवांस लेवल अपने अपने डिज़ाइंस और अपने अपने पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं बच्चे, वो प्रेजेंट करते हैं और उनकी सिलेक्ट होती है, जो वहाँ के टीचर्स एंड बोर्ड मेंबर्स हैं वो सिलेक्ट करते हैं और फिर उसका एक आर्ट शो लगाया जाता है। तो ठीक वैसे ही प्रिशा के भी आर्ट को सिलेक्ट किया गया था। वी आर सो प्राउड एंड सो प्राउड मोमेंट वी वर लिविंग इन कि हम लोगों को ये चांस मिला कि प्रिशा के थ्रू हम लोगों को इतना प्राउड मोमेंट मिला। हम लोग यही सोच रहे थे जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, यू वोंट बिलीव, ये इतना बड़ा आर्ट शो हो रहा था, इतने सारे लोग आए थे कि ऑलमोस्ट अगर आप काउंट करने बैठेंगे तो मोर देन 600 to 700 पीपल्स वर देयर। बहुत ज़्यादा ही बड़े लेवल पे हुआ था। और ये हम लोग गए थे वहाँ के जो मेन स्कूल बिल्डिंग होती है ठीक वहीं पे गए थे, और उसका जो बहुत बड़ा सा हॉल होता है स्टेडियम जैसा, हम लोग वहीं पे गए थे। जब हम लोग वहाँ पे अंदर गए तो इट वाज सो प्रेजेंटेबल, सच अ ब्यूटीफुल डेकोरेटेड एंड ब्यूटीफुल प्रेजेंटिंग वॉज देयर। जब हम लोगों ने वो देखा तो हम लोगों को इतना वंडर लगा, हम लोगों को इतना सरप्राइज हुआ कि वाओ दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। यहाँ पे हम लोग सब यही सोच रहे थे कि ओ माय गॉड, आपके बच्चे में इतनी सारी क्वालिटीज़ होती हैं आपको पता ही नहीं पड़ता है। जब आप उसे धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं तब आपको समझ में आता है कि वाकई में हमारे बच्चे कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ों में इतने ज़्यादा हुनर दिखाते हैं। जब उनकी टीचर्स अप्रिशिएट करते हैं, आपको एज अ पेरेंट इन्वाइट किया जाता है, तो आपको पता पड़ता है कि ओ माय गॉड, यू आर लिविंग इन द बेस्ट थिंग। ये आपको पता पड़ रहा है कि आपके बच्चे में क्या क्वालिटीज़ हैं और आप इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं उन्हीं सारी चीज़ों के साथ। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो इट वाज वेरी मच क्राउडेड, सब अपने आप में और सब उस आर्ट गैलरी शो को देखने के लिए इतने ज़्यादा सरप्राइज थे और इतने ज़्यादा क्यूरियस थे कि सब एक एक पिक्चर के ऊपर खड़े होकर देख रहे थे। हमसे बहुत सारे लोगों ने आके पूछा कि ये किसने डिज़ाइन करा है, किसने डिज़ाइन किया है, आर यू द पेरेंट्स ऑफ दिस गर्ल, आर यू द पेरेंट ऑफ दिस स्टूडेंट। तो हम लोगों को इतना ज़्यादा प्राउड फील हुआ, सच में मैं बता नहीं सकती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ ये जो शेयर कर रही हूँ ये बेसिकली मेरे दिल की बातें ही हैं जो हम लोग वहाँ पे बातें करते जा रहे थे, बच्चों के डैडी और मैं। और मैं एज अ मॉम जो फील करती हूँ अपनी बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए, वो आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे पिक्चर्स एंड वीडियोस क्लिक करे ये सोच के कि भाई ऑलवेज मेक ब्यूटीफुल मेमोरीज। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, और मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, हम चारों ही आप लोगों से यही कहेंगे कि ऑलवेज मेक ब्यूटीफुल मेमोरीज, क्योंकि ये इतनी प्यारी प्यारी सी मेमोरीज हैं। ये दिन चला गया है, ये वक्त चला गया है, लेकिन ये जो मेमोरीज हैं इन क्लिप्स के थ्रू हमेशा मेरे साथ रहेंगी। और मैंने इसीलिए छोटे छोटे से ग्लिम्स कैच करे हैं अपने कैमरे के थ्रू और आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है,
बहुत अच्छा लगा. हम लोग जब उस मोमेंट को देख रहे थे, जी रहे थे, तो इट वॉज सच ए ब्यूटिफुल थिंग. अभी हालांकि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तब भी मेरे घूस बम्स आ रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. मैं यही सोच रही थी कि इट वॉज सच एन ऑनर. मतलब कितना अच्छा लगता है कि आपके बच्चे के थ्रू आपका नाम होता है, आपको एक अलग ही उपाधि, एक अलग ही पेरेंटिंग, प्राउड पेरेंट वाली फीलिंग आती है. सच में आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच में. एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों का हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ, फाइंड योर सेल्फ फैमिली के साथ जो जुड़ते जा रहे हैं और सबकी ब्लेसिंग्स, विशेस सब जुड़ती जा रही हैं. उन्हीं का ये असर होता है कि हम लाइफ में इतना मेहनत करते हैं, उन चीज़ों के आपको फल मिलने शुरू हो जाते हैं. और सच्चे दिल से की गई मेहनत तो यार ईश्वर भी देख रहा है. इसीलिए सच में थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. अब इस मोमेंट्स को मैं यहीं पे अभी अपने आप को स्टॉप करूँगी. आप लोग भी इन चीज़ों को देखिए. हर एक छोटी छोटी चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा कैच करने की कोशिश करी है. हाँ, वहाँ पे इतना बड़ा हॉल था, इतनी सारी पेंटिंग्स थी कि एक 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 पेंटिंग के वहाँ पे खड़े हो जाओ तो आपको ऐसा लगेगा कि हर पेंटिंग आपसे कुछ ना कुछ कह रही है. चाहे बेसिक लेवल पे हो, चाहे एडवांस लेवल पे हो, 3D मोड पे हो, 3D लेवल्स पे हो, और कितनी सारी ऐसी पेंटिंग्स थी जो आपको कुछ मैसेज दे रही थी सच में. तो बस ये मोमेंट था जो हम लोग जी रहे थे. लाइफ में ना एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करके ही इस मुकाम पे पहुंचते हैं जहाँ पे उन्होंने सपना देखा होता है. और सबकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग जरूर लाती है क्योंकि ईश्वर देख रहा है कि आपकी मेहनत में कितनी सच्चाई है. सच में ये चीज़ देखने के बाद मुझे इतना ज़्यादा प्राउड महसूस हुआ. और प्रिशा की जो बहुत सारी पेंटिंग्स थी जो हम लोगों ने घर पे कलेक्ट करके रखी हैं, अक्सर आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मैं फायरप्लेस के इधर प्रिशा की बहुत सारी पेंटिंग्स हम लोगों ने सजा के रखी हुई है, वो सारी की सारी हम लोग कलेक्ट करके लेके गए थे वहाँ दिखाने के लिए. एंड यू वोंट बिलीव, इसके टीचर्स इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं इसकी इमेजिनरी ड्राॅइंग से कि उन्होंने हम लोगों को इतनी सारी जगह बता दी जहाँ पे हम स्पेशल क्लासेस के लिए जा सकते हैं और जहाँ से बहुत बड़े बड़े पेंटर्स अपने उपाधि ले लेके निकले हैं. तो ये चीज़ हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउडेबल है सच में. और इस प्राउड मोमेंट को जीने के लिए बच्चों के डैडी ने आज हम लोगों को लेके गए हैं एक रेस्टोरेंट में. तो फिलहाल हम लोग रेस्टोरेंट में आए हुए हैं ग्रिंको में. ग्रिंको एक ऐसी जगह है, ऑथेंटिक मैक्सिकन ग्रिल बार. तो यहाँ पे हम लोगों को एम्बियंस भी बहुत पसंद है और यहाँ का खाना भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है. बच्चों के डैडी मेरे लिए ऑर्डर कर रहे थे, बच्चों के लिए भी ऑर्डर कर रहे थे और खुद के लिए भी ऑर्डर कर रहे थे. आज उनका मन इतना ज़्यादा खुश हो गया कि उन्होंने बोला कि तुम लोग सब रिलैक्स करो, आज मैं सबके लिए ऑर्डर करूँगा. तो अपने हिसाब से उन्होंने डिश बनवाई है. मैंने ऑफकोर्स वेजिटेरियन ली है, बच्चों के डैडी को चिकन बहुत पसंद है तो उन्होंने चिकन डिश ली है, और आदि के लिए भी और प्रिशा के लिए भी. मैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूँ. तो हम लोग बैठे बैठे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे. तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही. ये प्यारी सी बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट हम पूरी फैमिली के लिए था जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है. तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स. और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस करके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से हम लोगों के साथ शेयर करिएगा क्योंकि ये सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे लिए तो है ही, पर मैं स्पेशली अपनी प्रिशा जो कि हमारी आर्टिस्ट है आज की इस वीडियो की, उसको शेयर करूंगी और शी विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू ऑल. ऑलराइटी, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी. बाय. आँखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे, आँखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोकों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोकों को
जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए।